मनाली यार एक ऐसी जगह है ना जहां मन के साथ साथ दिल भी लग जाता है। हाय गाइस और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो कल मैं यहाँ मनाली पहुँच गया था और मैं रुका हूँ यामा हाउस में जो कि ओल्ड मनाली में पड़ता है। तो यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूँ मैं कुछ दिनों के लिए। तो अभी फ़िलहाल सुबह का 9:30 हो गया है और देखो यहाँ पर सामने रिवर भी है मस्त। अभी चलते हैं थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करके आते हैं। सो गाइस ये बिल्कुल होटल से बाहर निकलती है, इसके सामने ना क्लब हाउस भी है, यहाँ का जो क्लब हाउस है। और यहाँ से बहुत सारे रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और कैफे लाइव भी है यहाँ पर। तो देखते हैं अभी कुछ दिनों में ट्राई करूँगा यहाँ पर कैसा है, बाकी अभी लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो गाइस ये आ गए हम पुल पे, कर रहा था हम इसी को क्रॉस करके आए थे अगर आपको याद है तो। ये देखो मस्त रिवर बह रही है यहाँ पे। सो गाइस घूम फिर के मैं आ गया हूँ क्लब हाउस के बगल, सामने ही एक छोटा सा कैफे टाइप का कह लो, ढाबा का टाइप का कह लो वो है। बिकॉज यहाँ से ना रिवर बिल्कुल बगल में है, आवाज़ भी आ रही होगी आप लोग को। और यहाँ पे रेट भी वैसे तो सब जगह सेम ही इस लाइन में। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं होटल आ गया हूँ अपने। तो फिलहाल अभी थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लेते हैं और वर्क फ्रॉम माउंटेन स्टार्ट करते हैं। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो परसों में बागासरा से यहाँ मनाली आ गया था और कल से मैं यहाँ वर्किंग फ्रॉम होम कर रहा हूँ और बाकी मॉर्निंग और इवनिंग में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मनु टेंपल, एक छोटी सी हाइक है ओल्ड मनाली से 1.5 किलोमीटर की। तो अप्रॉक्स अभी 6:30 हो रहा है, मैंने सोचा कि सुबह सुबह निपटा लेता हूँ फिर ऑफिस वर्क शुरू कर लूँगा। सो गाइस ये यहाँ के देवता का टेंपल है और यहीं से मनु टेंपल के भी रास्ता जाता है, ये जो गेट है यहाँ से बाहर जाके हम लेफ्ट लेंगे। और एक अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे रास्ते में ना जगह जगह पे मार्क बनाए हुए हैं मनु टेंपल के, जैसे कि अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इधर साइड से। सो गाइस अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आते हो तो आपको ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ में यहाँ पे ग्लेशियर्स के नज़ारे भी देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की स्टोरी की, जो ये टेम्पल है बहुत पुराना माना जाता है, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारी प्रजाति स्टार्ट करी मनु देवता, तो उनका ये मंदिर माना जाता है। क्या कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने उनकी हेल्प करी थी जब पुराना प्रलय हुआ था। बाकी इसकी डिटेल्ड स्टोरी देखने के लिए सुनने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे ये दिखा दूंगा स्टोरी, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। सो गाइस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, तो अंदर का तो कुछ दिखा नहीं पाया, बट ठीक है अभी हम वापस जा रहे हैं। तो ये जो ओल्ड मनाली से मनु टेम्पल वाली रोड है ना, इसमें आपको बहुत सारे होम स्टेज, हॉस्टल्स, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें, कैफ़ेज़, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप जल्दीबाजी मत करना वहाँ पे स्टे लेने के लिए, थोड़ा यहाँ से ऊपर को आके ना एक्सप्लोर कर लेना, तो बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं। भैया क्या रेट है लॉन्ड्री यहाँ पे? पैंट का 30 है और शर्ट का 20। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज 20 अप्रैल हो गए हैं और इट्स अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। तो अभी यामा हाउस के जस्ट सामने जो रिवर है
उसको क्रॉस करके आप एक फॉरेस्ट सा एरिया है, वहाँ जा सकते हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है, तो चलते हैं वहाँ और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं और योगा वगैरह करते हैं। काफ़ी पीसफुल टाइम है, अभी कोई उठा नहीं है, मतलब पूरा शांत है मनाली। ओल्ड मनाली ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, ओल्ड मनाली वाला, और ये ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ से लेफ्ट कट करता है, फिर लेफ्ट कट से आप अंदर फॉरेस्ट में घुस सकते हो। वहाँ से नियर बाई तो कोई रास्ता मिला नहीं मेरे को। दिस इज़ दी प्लेस, काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, कुछ लोग योगा वगैरह भी कर रहे हैं, तो वर्कआउट करने के लिए भी इवन अच्छा रहेगा ना, फ्लैट एरिया है यहाँ पे, आप पुशअप्स वगैरह कर सकते हो, रनिंग वगैरह करके ना। हाँ, ये अच्छा लगा मुझे। और पूरा फॉरेस्ट है और साथ में नदी की आवाज़ भी आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। थोड़ा और चलते नीचे नदी के आसपास। सो गाइस, वो रहा यामा हाउस सामने और हम जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, और ये रिवर जो हम वहाँ से देख रहे थे ना, इसी प्लेस को देख रहे थे। तो गाइस, मॉर्निंग वॉक वगैरह करके, मेडिटेशन वगैरह करके मैं जा रहा हूँ वापस होटल। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे हो। तो आपको बतानी थी, ये जो ओल्ड पुल है ना, यहीं से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ये हिडिम्बा टेम्पल को जाता है। कल हम गए थे मनु टेम्पल, अब हम कल या परसों जाएंगे हिडिम्बा टेम्पल। आज थोड़ा मुझे होटल चेकआउट करना है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज कर लूँ, कुछ नया एक्सप्लोर। सो गाइस, इट्स टाइम टू चेकआउट फ्रॉम हियर, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट संडे की रात को मैं आ गया था, तो आज वेडनेसडे हो गया है, काफ़ी दिन स्पेंड कर लिया यहाँ पे और काफ़ी अच्छी थी प्रॉपर्टी। सो गाइस, मैं यहाँ के ओनर से भी आपको मिलवा देता हूँ। ये मतलब प्लस पॉइंट है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में रहते हो ना, उनके ओनर अगर उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली बोल सकते हो। फिर तुषार भाई हमारे, तो आप लोग अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। वैसे तुषार भाई, यहाँ पर डीलक्स रूम भी है ना। हाँ, तो क्या कुछ थोड़ा, अगर जैसे कोई मेरा सब्सक्राइबर आता है तो उसको थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, तो ओनर एवरेज रेट क्या रहता है आपके वहाँ पे? एवरेज 1500 के आसपास रहता है। 1500 के आसपास, तो 1500 के आसपास। और डीलक्स का? बट अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, डेफिनेटली यहाँ आना, बिकॉज यहाँ से ना हर चीज अगर नियर बाई है, मार्केट नियर बाई है, कैफेज नियर बाई है। सो गाइस, खोज में मैं निकल गया हूँ, अभी मेरे को एक यंग मॉन्ग करके हॉस्टल दिख रहा है ऊपर, सोच रहा हूँ वहाँ जाके देख के आऊँ। आज तक मैं कभी हॉस्टल में स्टे नहीं किया हूँ, बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि कुछ कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो देख के आते हैं कैसा है क्या है, अगर सही लगा तो फिर हॉस्टल में स्टे कर लेंगे कुछ टाइम।